वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो क्लास 7 का संस्कृत का पुनरावर्तन 2 पेज नंबर 62। तो सिंग द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ पोएम, तो ये आपको सिर्फ बोलना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजास ऑफ द पोएम। माता पितार विह मम न अस्त, माता पितार विह मम न अस्त, एकाकी खुलू खलु खिन्नोहम, ए ही समीप चिव चिव मित्र ददामी तुभ्य बहु ध्यानम। चणक स्वीकरु पिबरे नीर, चणक स्वीकरु पिबने पिबरे नीर, तो पुनरपिय रह चिव चिव चिव, तो शय मा कुरु मधु रालाप, पाठ है मामपि तव भाषम। पैराग्राफ रीड करना है और इस जो डॉट यहाँ पे अनुस्वार जो भी ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सिर्फ आपको इसमें पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन ब्लैंक्स एंड रीड देम ओरली। एक विशति 21, एक त्रिशत 31, एक चत्व रिशत 41, त्रय विशंति 23, पचदश 15, चतुर्विशति 24, द्वाविशंति 22, चतुर्दश 14, सप्तदश 17, नवत्रिशत 39, अष्टत्रिशत 38, चतुष्वत्वारिशत 44, पंचशत 50, नवविशति 29, अष्टादश 18। मैच द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड इन कॉलम ए, मैच द कॉलम करना है। त्रिशत, तो इसका 30 आंसर है। सप्तत्रिशत 37, त्रयोदश 13, एक त्रिशत 31, चत्वरिशत 40, त्रयोविशंति 23, पंचचत्वरिशत 45, नवदश 19, सप्तविशंति 27, एकविशंति 21, विशंति 20, एकचत्वारिशत 41, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रेम द सेंटेंसेस बाय एसोसिएटिंग द प्रॉपर एक्शन विथ टाइम। फर्स्ट, प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। प्रातः सार्धसप्तवादने दुग्ध पिबामि, आई टेक मिल्क एट हाफ पास 7 इन द मॉर्निंग। प्रातः सपाद अष्टवादने अभ्यास करोमि, आई स्टडी एट 8:15 इन द मॉर्निंग। प्रातः सपाद अष्टवादने अभ्यास करोमि, आई स्टडी एट 8:15 इन द मॉर्निंग। मध्याह्ने द्वादशवादने विद्यालय गच्छामि, आई गो टू स्कूल एट 12:00 एट नून। रात्रौ नववादने गृह कार्य करोमि, आई डू माय होमवर्क एट 9:00 एट नाइट। मध्याह्ने द्वादशवादने अभ्यास करोमि, पुस्तक पठामि वा, आई स्टडी और रीड माय बुक एट 12 नून। रात्रौ दशवादने शयनम करोमि, आई गो टू बेड एट टेन एट नाइट। मध्याह्ने सार्धद्विवादने विद्यालय संस्कृत भाषा पठामि, एट 2:30 इन द स्कूल आई लर्न संस्कृत। मध्याह्ने सप्तत्रिवादने विद्यालय गणित शास्त्र पठामि, आई लर्न मैथमेटिक्स एट 3:15 इन द आफ्टरनून। सायं षड्वादने गृहम आगच्छामि, आई रिटर्न होम एट 6 इन द इवनिंग। सायं सार्धषड्वादने क्रीडांगणे खेलामि, आई प्ले ऑन द प्ले ग्राउंड एट 6 इन द इवनिंग। रात्रि सपद दशवादने शयनम करोमि, आई गो टू बेड एट 10:15 एट नाइट। सपात नववादनम पदो न द्वादशवादनम, द्वादशवादनम पदो न दशवादनम। आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस इन। एकदा शृगाल कुत्र गच्छति, एकदा शृगाल वनः गच्छति। शृगाल किमर्थम अत्र अत्र अटति, शृगाल शुधा शमनार्थम अत्र तत्र अटति। शृगालः वने कि पश्यति, शृगालः वने द्राक्षलतां द्राक्षफलं च पश्यति। वित्तकोश लुंटति, द्वाचोरो वित्तकोशं लुंटति। शृगाल की क
कथयित्वा पलायन करोति आम्लद्राक्ष फलम इति कथयित्वा शृगाल पलायन करोति. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय राइटिंग प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लैंक्स फॉर्म दोज गिवन इन द ब्रैकेट. सुधा अमरावती नामनी नगरे वसती एकदा सा गुर्जर प्रदेश दर्शन कर्तम इच्छति. सा गुर्जर प्रदेश गच्छति. गांधीनगर गुर्जर प्रदेश मुख्य नगरम अस्ति अथ सा गांधीनगर गच्छति. प्रातः सप्तवादने सा गांधी मंदिर प्रति गच्छति. गांधी महाशय भक्तिभावपूर्वक नमति तत्र एक घंटा पर्यंत तिष्ठति तथा सा सचिवालय आगच्छति. मध्याह्ने द्वादशवादने सा सचिव महोदये सह वार्तालाप करोति. तदनंतर सा भोजनम करोति. सायंकाले सप्तवादने सा अमरावती गच्छति. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, से लाइफ. थैंक यू.